कोरोना की तीसरी लहर की हौलनाकी। 8 माह के दौरान मुल्क में कोरोना का सबसे ज्यादा हलाकत खेज दिन। 24 घंटों में 100 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। 73% अमवात पंजाब में हुई, जहां बहक अफराद की तादाद 14,356 हो गई। मजीद 4,084 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। कोरोना एक्टिव केसेस 48,566 हैं। कोरोना जानलेवा है, एहतियात करें। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। एनसीओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर्स, लाहौर में 63%, मुल्तान में 67%, गुजरावाला में 60% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। पंजाब में मास्क ना पहनने पर दर्जनों अफराद पर मुकदमात दर्ज। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। बांग्लादेश ने भी 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। हमारी विफाकी हुकूमत 10 लाख की बात कर रही है। कुछ नहीं कर रहे आप लोग, सबके सामने है। जो वैक्सीन आप लोगों को मिली है, सब इमदाद में मिली है। वैक्सीन आम लोगों को लगा रहे हैं या नहीं? सिंध हाई कोर्ट बरहम। विफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां। हफीज शेख फारिग हमाद अज़हर वफाकी वजीर खजाना मुकर्रर। ताबिश गौहर मुआविन खसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी को वजारत इत्तला, शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम मिलने का इम्कान। उमर अयूब और खुसरो बख्तियार की छुट्टी का इम्कान। वजीर आज़म आज ऐलान करेंगे। जिनसे BRT नहीं चली, वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। इन्हें सब्सिडी देने का पता ही नहीं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत ने पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इन्हें सब्सिडी देने का पता ही नहीं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। जब रहा होगा तो सियासी उमूर देखूंगा। नैब का काम ओपोजिशन को दबाना है। नैब के खिलाफ ब्रॉडशीट स्कैंडल आया तो उसकी फाइलें गायब कर दी गईं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि गिलानी के केस में हफ्तों की तारीखें दी जाती हैं। साबिक वजीर आजम ने तंजिया जवाब दिया कि उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। सोच रहे हैं बाप को भी PDM में शामिल कर लें। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रहेंगे। मुल्क को दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। वजीर खजाना, तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। साबित हो गया, मईशत दावों और तकरीरों से नहीं चलती। शहरी रहमान की तनकीद। कहा, नेप्रा और स्टेट बैंक जैसे रियासती रेगुलेटर्स अब आवाम की जवाबदही से भी बालातर होंगे। अब कोई इनसे तेल बिजली के निरखों, महंगाई या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकेगा। IMF वाहदे कभी ऐसे ना थे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर रियासत मुखालिफ तकरीर का मुकदमा। सेशन कोर्ट लाहौर ने लीगी रहनुमा की अबूरी जमानतों में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर फरीकैन दलाइल के लिए तलब। दोशंबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन तरक्की के लिए इतफाक राय को मजबूत बनाना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजारती कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बहुत सी मुलाकातें मुतवक्के हैं। भारतीय वजीर खारजा से 2 तरफा मुलाकात तय नहीं। मार्च में गर्मी का मार शहर कायद में पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया। 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। अगले 5 रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। सिंध के दीगर शहरों में बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। और अरफा करीम और मलाला के बाद वतन की एक और बेटी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। 9 साल की नातालिया नजम ने केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड्स में देकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।